नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय हूँ मऊ के अली बिल्डिंग बाजार में, जो सामान्य दिनों में इस समय काफ़ी हलचल भरा, यानी कि बाजार में इस समय ग्राहकों से भरा रहता है ये सारी दुकानें, लेकिन आज दोपहर के समय सारी दुकानें बंद हैं। और दुकानों के बंद होने का वजह यह था कि यह संभावना जताई जा रही थी कि GST विभाग की छापेमारी अली बिल्डिंग में हो रही है, GST विभाग की टीम अली बिल्डिंग में है। तो देखेंगे तो इसी तरह की सारी दुकानें बंद हो गई थी, सब सन्नाटा था, लेकिन अब देखेंगे तो दुकानें अब कुछ खुलना शुरू हो गई हैं। जैसे कि एक जो कंप्यूटर के क्या बोलते हैं मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान है, अभी जस्ट मेरे सामने खुली है। इसके पहले सारी दुकानें बंद थी, और बंद होने का वजह यह है कि दुकानदारों को कहीं से सूचना मिली कि GST विभाग की टीम अली बिल्डिंग में छापेमारी करने आ रही है। यहां तक कि यह भी सुनने को मिला कि दुकानदारों को यह कहना था कि किसी दुकान पर GST विभाग की टीम बैठी है। तो सोच लीजिए कि अब दुकानदारों को ये पता चल जाए कि GST विभाग की टीम आपके बगल में है, तो सेकेंडों में सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसका वजह यह है कि जो सुनने में आता है कि GST विभाग की टीम जहाँ जाती है दुकानदारों के ऊपर छापामारी करने, वहाँ पर 10-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाता है। उसके जुर्माना लगने के बाद उनसे भारी भरकम वसूली की जाती है। ये सब चीज़ें सुनने में आता है, इसकी प्रमाणित कोई सूचना नहीं है। तो उसी सुनने वाली बात को लेकर के आज पूरी तरीके से यह दुकान बंद हो गई। जब एक व्यापारी से अभी हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कौआ कान लेके उड़ा, कौआ कान लेके उड़ा, वैसा ही कुछ सूचना आया, लेकिन GST विभाग की टीम नहीं आ रही है। इसकी प्रमाणित सूचना न मेरे पास है न दुकानदारों के पास है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो GST विभाग है उसका डर व्यापारियों में कितना है यह साफ देखने को मिला है। पिछले दिनों GST विभाग की छापेमारी चल रही थी, आपके आजमगढ़, जौनपुर, तमाम जनपदों में छापेमारी हुई, कई व्यापारियों पर जुर्माने लगे। उसके बाद से व्यापारियों में इतना आक्रोश रहा कि आए दिन दुकानें बंद होने का सिलसिला जारी हो गया था। लेकिन उसके बाद CM योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा किया कि GST विभाग की छापेमारी रोकी जाती है, व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन व्यापारियों में जो भय का माहौल है आज पुनः अली बिल्डिंग में देखने को मिला। यहाँ पर करीब 50% से अधिक दुकानें मात्र 10 से 20 सेकेंडों में बंद हो गई। तो यानी कि GST विभाग का डर अभी व्यापारियों में है, और कहीं ना कहीं सरकार यह बताने में असफल हो रही है कि GST विभाग व्यापारियों को परेशान नहीं कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो GST विभाग के क्रियाकलाप हैं और पिछले दिनों में उनके छापेमारी में देखने को मिला, उसी का असर यह है कि दुकानें बंद हो रही हैं। क्योंकि जो व्यापारी बताते हैं कि GST विभाग की टीम जहां जाती है मनमाने तरीके से जुर्माना लगाती है, और घूस देने के बाद व्यापारी बचता है, वो भी नेता मंत्री फलाने का जुगाड़ लगाने के बाद, तो कहीं ना कहीं व्यापारी खासा नाराज हैं। और जल्द ही नगरी निकाय का चुनाव है, तो सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। बावजूद व्यापारियों में जो भय है आपको अली बिल्डिंग में कुछ ही देर पहले देखने को मिला, और इस समय भी वह भय देखने को मिल रहा है कि दुकानों में इस तरह के ताले जड़ दिए गए हैं। और ताले ये कोई चोरी से डर से नहीं, सरकार के सिस्टम के भय से ताले लगे हैं। तो सोचिए कि व्यापारी जिस समय 2 रुपया कमाने की जुगत में रहते हैं, ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं, और इस समय ग्राहक तो इस मार्केट में हैं लेकिन ग्राहकों के लिए दुकानें नहीं खुली हैं, तो देखिए GST विभाग का भय कब तक बना रहता है, व्यापारी कब तक अपने को सुरक्षित महसूस कर पाते हैं, यह तो सरकार, व्यापारी और GST विभाग ही बता पाएंगे। और हमारा मीडिया काम है खबरों को दिखाते रहना, तो खबरों को देखने के लिए आप अभिषेक सिंह के साथ लगातार जुड़े रहिए। लोगों में पूरा भय का है, पूरी अली बिल्डिंग की अधिकांश दुकानें बंद हो गई है, क्या वजह है? लोगों में भय, एक इनकम टैक्स वाले यहाँ पे आए इस समय, हाँ, और यही हल्ला हुआ है, पर अभी कुछ दिख नहीं रहा है, हाँ, तो लोग जो सही है वो भी बंद के चले जा रहे हैं डर के मारे, हाँ, क्योंकि सरकार की नीतियां लोगों को समझ ही नहीं आ रही हैं, हाँ, तो यही कुछ पहल करनी चाहिए सरकार को, हाँ, तो मतलब GST विभाग और इनकम टैक्स छापेमारी के डर से यही हल्ला अभी सुनने में आया है। इस हल्ला से पूरा व्यापार प्रभावित हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, हाँ, और ये डेली एक दिन का नहीं है, डेली का हो रहा है। देखिए भय है, बस लोगों को मालूम ही नहीं है क्या क्या सिस्टम कैसे है। सरकार को एक पहल करनी चाहिए और बताना चाहिए क्या क्या मतलब इसके नियम है, लोगों में जानकारी नहीं है, सारे लोग तो कुछ जानकारी नहीं है, दुकान बंद कर लोग भाग फरार। सर ये तो अब मैं क्या बताऊं, भ्रम में लोग परेशान होते हैं, ज्यादातर अफवाह में परेशान होते हैं। अफवाह जैसे
जीएसटी आ रहा है अफवाह जैसे। तो जीएसटी से कहां डर रहे लोग, जीएसटी विभाग परेशान करे क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, विभाग वो कोई परेशान नहीं करे। हाँ। कुछ नहीं ऐसा, कहां पर कुछ है, ऐसे ही अपने मन में सब लोग परेशान हो जा रहे हैं, तब क्या करें। तो खुदे नहीं जानते सब लोग, दुकान बंद सब लोग, तो खुदे नहीं जानते। कोई कह रहा जीएसटी की टीम आई थी यहाँ पे, कहाँ कोई आया, मतलब आते तो पुलिस वुलिस में आती है। कहाँ कुछ नहीं, अपने अफवाह उड़ गया, सब दुकान बंद हो गई। कोई फिरकी ले रहा है या सच में क्या हो रहा है? अरे नहीं कोई फिरकी ले रहा है भाई, कहाँ कुछ है, कुछ नहीं है। हाँ। अपने मन में सब बच्चे मन में बड़ा गड़बड़ सा। जीएसटी का इतना भाई व्यापारियों में? सही है सर, जीएसटी इससे परेशान है। अच्छा जी।